खबर यूपी के चंदौली के चकिया क्षेत्र के सोनहुल गांव से है, जहां किराने की दुकान में आग लग जाने से हजारों का सामान जलकर राख हो गया। मामले की जानकारी गृह स्वामी को सुबह होने के उपरांत हुई। मौके पर पहुंचे दुकान स्वामी ने उक्त मामले की जानकारी डायल 112 की टीम को दे दी। फिर हाल पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में पुलिस जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक बृहस्पतिवार देर शाम लगभग 8 बजे दुकान स्वामी योगेंद्र नाथ तिवारी दुकान बंद कर अपने घर चले गए। इसी दौरान रात में उनके दुकान में आग लग गई। आग लगी की घटना में दुकान में रखा हजारों रुपए के विभिन्न किराने के सामान जलकर राख हो गए। मामले की जानकारी लोगों को उस वक्त हुई जब सुबह उठकर लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए थे। इसी दौरान दुकान के अंदर से धुआं उठता देख हतप्रभ रह गए और मामले की जानकारी दुकान स्वामी योगेंद्र नाथ तिवारी को दे दी। सूचना पाकर आनंद फानन में मौके पर पहुंचे दुकान स्वामी योगेंद्र नाथ ने अंदर का नजारा देखकर हतप्रभ रह गया और तत्काल घटना की जानकारी डायरेक्ट 112 को दे दी। चंदौली से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम योगेंद्र तिवारी। क्या समस्या है, कैसे आग लगी है? 9:30 बजे बंद करके दुकान गए, उसके बाद कोई रात में जला कर फेंक दिया। अच्छा, किसी पे शक है? सब तो किसी पर नहीं उनको। आप प्रशासन को सूचना दिए कि नहीं? सूचना दिए सूचना दिए हैं।